किया है कि 80% जो अटेंडेंस इज कंपलसरी, ठीक है, ताकि उसके बाद ही आपका हॉल टिकट जनरेट किया जाएगा। मतलब अगर 80% से अगर आपका बिलो है तो आप इस बार नहीं दे पाइएगा, मतलब आपको सप्लीमेंट्री में देना पड़ेगा। जब मतलब यहाँ पे एडमिशन लिया था तो उस समय जो सर्कुलर था उसमें 70% की बात कही गई थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 80% कर दिया गया, जिसकी वजह से और इंडिया जितने भी NSTI ITOT चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट वाले ITOTs हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बस एक काम करना है जो कि आपको ईमेल करना है। ईमेल के सारे कंटेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो आप कृपया करके आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ईमेल जरूर कीजिएगा कंटेंट होता है। और सिंपली आपको क्या करना है, देखिए अभी आपके सामने मैं मेल को सेंड करूंगा, देखिए ये वाला संस्करण आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेंड बटन पे क्लिक कर दिया। ओके, आपका हमारे चैनल ऑडियो ब्रेंस पे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो है हम लोग आज यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं और जस्ट इसके पीछे जो है NSTI हावड़ा कॉलेज है। और इसी जगह से कई बार हमने यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट, ऐसा कुछ प्रोटेस्ट नहीं कहें, कही रिक्वेस्ट वीडियो हमने कई बार बनाया है। और एक बार फिर यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ और हमारे साथ मेरे फ्रेंड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आज का जो छोटा मोटा जो कहें तो बहुत बड़ा कह सकते हैं, नहीं तो छोटा मोटा ही कहिए, कि एक मुद्दा हम लोग के बीच फिर से एक आन पड़ा है। और ये जो है क्या है तो अटेंडेंस, एक अटेंडेंस जो मुद्दा है ये अभी जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। इसलिए क्योंकि आप लोग को अगर पता हो तो इधर जो हाल फिलहाल रिसेंट के दिनों में 5 तारीख को जो है एक नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है जिसमें बोला गया है कि 80% जो है अटेंडेंस इज कंपलसरी, ठीक है, ताकि उसके बाद ही आपका हॉल टिकट जनरेट किया जाएगा। मतलब अगर 80% से अगर आपका बिलो है तो आप इस बार नहीं दे पाइएगा, मतलब आपको सप्लीमेंट्री में देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं अभी के लिए, लेकिन अगर 14 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन आया था DGT का जो कि 21-22 बैच के लिए था, अगर उसको आप देखते हैं तो वहाँ पे मात्र और मात्र 70% बोला गया था कि 70% अगर है तो आपका हॉल टिकट जनरेट कर दिया जाएगा और आप एग्जाम में आराम से एलिजिबल हो पाइएगा देखने के लिए, मतलब बैठने के लिए। तो यहाँ पे जो है कुछ छात्र हैं, इनसे बात करते हैं और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को समझते हैं और DGT से क्या कहना चाहते हैं उन बात को भी हम लोग यहाँ पे पक्ष रखेंगे। दूसरी बात कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी NSTI ITOT चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट वाले ITOTs हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बस एक काम करना है जो कि आपको ईमेल करना है। ईमेल के सारे कंटेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो आप कृपया करके आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ईमेल जरूर कीजिएगा कंटेंट्स पूरा विद कॉन्टैक्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग जो है बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो आपका नाम क्या हुआ? पवन कुमार। ट्रेड क्या है आपका? मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है आपका? देखिए प्रॉब्लम यही है कि जो पहले हम लोगों ने जब मतलब यहाँ पे एडमिशन लिया था तो उस समय जो सर्कुलर था उसमें 70% की बात कही गई थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 80% कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 70% के एबव तो मेंटेन है लेकिन 80% कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो मेरा DGT से यही मतलब सर से रिक्वेस्ट है कि उसको उसी पे 70% पे ही रहने दें, ताकि जो और भी छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं, हम ही लोग नहीं बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों को अपीयर करा दिया जाए। क्योंकि देखिए समय बहुत ही कीमती है और बाद में एग्ज़ाम वगैरह देने में क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम लोग क्या है कि सब लोग अपना घर छोड़ कर आए हैं, कोई जॉब छोड़ कर आया है, कोई किसी तरह से मैनेज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टाइपेंड वगैरह तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह से इसलिए कोर्स कर रहे हैं भाई अपने फ्यूचर के लिए। तो अगर हम लोग का एग्ज़ाम ही नहीं हो पाएगा तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये मैं अपने लिए नहीं सभी के लिए बोल रहा हूँ कि DGT सर से अनुरोध है कि इस पर विचार करें और इस पर 70 ही रहने दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा इनका कहना है कि DGT से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो स्टार्टिंग का जो नोटिस था 14 दिसंबर वाला उसको ही अमल में लाया जाए और 70% का जो अनिवार्यता है उसी को ही माना जाए। चलिए और यहाँ पे लड़के हैं उनसे मैं बात करता हूँ। तो आइए इधर आगे आइए। क्या नाम है आपका? कृष्णा वर्मा नाम सर हमारा। ट्रेड आपका? DMC है सर। DMC। तो क्या कहना चाहते हैं, DGT से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते हैं जब आपने 70% पहले जो बता रखा था आप उसको 80% कर रहे हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी दूर से आए, अभी कोरोना भी चल रहा था तो आपकी जनवरी में क्लासें भी नहीं चली हैं, उसके बावजूद आप 80% कर रहे हो तो बच्चे कैसे मैनेज कर पाएंगे? और जब हम लोग पेपर ही नहीं दे पाएंगे तो ये बात आपको शुरुआत में बता देनी चाहिए थी कि 80% लेंगे। आज आप जो है 10 दिन पहले बता रहे हो कि 80% लेंगे, ये तो कोई तरीका ही नहीं है भाई। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली घुमा फिरा की बातें वहीं आ रही हैं कि ये चीज़ें अगर पहली बता दी जाती, अगर जो स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन आया था, स्टार्टिंग जो सेशन हुए थे उस टाइम में अगर बता दिया जाता तो लड़के उस हिसाब से अपना मेंटेन करते। 80 अगर उस टाइम में 90 भी बोला है तो लड़के उस हिसाब से 90 मेंटेन कर लेते। लेकिन अभी एकाएक जब एग्ज़ाम जो है सर पे है और 4 जो है अगस्त से आप लोग का पेपर है तो अभी जो है ये एकाएक 80% की जो बाध्यता कर दी गई है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए और यहाँ पर कोई दूसरे ट्रेड के, हाँ बताइए आपका नाम? मेरा नाम कपिल यादव है। क्या ट्रेड है आपका? DMM। आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं DGT के? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो अपना वो न्यू गाइडलाइन और लाई है अटेंडेंस मामले में 80% के, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि अगर वो अपना वापस नहीं लेती है, 70% अगर नहीं करती है तो हम लोग के जहाँ तक उम्मीद है कि परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे और भी कुछ लड़के हैं उनसे भी मंतव्य जानते हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार।
ट्रेड आपका? इलेक्ट्रीशियन। क्या कहना चाहते हैं आप, अपना बताइए क्या कहना है? कहना का ये अर्थ है कि जो पहले नोटिस दिया गया तो वही नोटिस होना चाहिए, नोटिस में कोई परिवर्तन नहीं। सडनली यदि नोटिस आता है 80%, कैसे हम लोग चेंज कर पाएंगे, मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। ऊपर से कोविड का अचानक टिकट भी नहीं मिल पाया, जैसे 5 फरवरी को क्लास खुली थी उस टाइम टिकट भी नहीं मिला, सडनली आने में परेशानी, 10 दिन से लेट हो गया, तो 80% नहीं पूर पाएगा, किसी भी हालत पर 80% नहीं पूर पाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि 70% पे ही रहे तो एग्ज़ाम दे पाएंगे हम लोग। ओके, तो देखिए जैसा एक और यहाँ पे पॉइंट है कि अगर बात करें COVID-19 का इस बार का जो कि थर्ड वेव था, तो यहाँ पे देखे होंगे आप लोग कि जो सभी NSTI में जो है छुट्टी हो गई थी 1 जनवरी से प्रहप्स, और ये जो है खासकर बात करें NSTI हावड़ा का, तो एकाएक 2 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आया था ग्रुप्स में सभी को कि 3 तारीख से क्लास जो है रीओपन हो रहे हैं, मतलब कॉलेज खुल रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ समस्या सबसे बड़ी बात की ये हो गई कि 2 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है और जो है 3 तारीख को बुला लिया जाता है कॉलेज। अब लड़के जो बाहर हैं, जैसे कि जो राजस्थान चाहे हरियाणा में जो लड़के हैं, अब वो एकाएक टिकट कैसे लेंगे, और लेंगे भी तो वेटिंग में आएगा। तो इन चीज़ों में कॉलेज पहुँचते तक उनको जो है मिनिमम 1 सप्ताह से 10 दिन, कितना भी करे तो 10 दिन उनका क्या हुआ जो है वेस्ट हो गया, मतलब कहा जाए तो वो पहुँच नहीं सके। अब वो जो गैप था 10 दिनों का, वो कहीं ना कहीं क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स रहा है इस बार का, 7 to 8 मंथ में क्लोज हो रहा है पूरा सेशन, तो ऐसे में क्या हुआ अटेंडेंस ओवर और अटेंडेंस भी क्या हो गया है लो हो गया है। तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा DGT को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों को फिर से करना चाहिए, आई मीन जो है 70% पे आना चाहिए। चलिए और यहाँ पे कोई लड़के हैं, देखिए यहाँ पे बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए नाम क्या हुआ? दिलीप। ट्रेड क्या आपका? रोड़ा हो गया। तो क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है कि डिसकंटिन्यू स्टूडेंट जो NSTI कर रहे हैं उन्हें मेमोरेंडम लेटर तैयार किया जा रहा है 70% के लिए, और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें 80% का मांग क्यों किया जा रहा है। प्रश्न का है कि हमें DGT से रिक्वेस्ट है कि इसका सोल्यूशन हमें किसी न किसी माध्यम से दे, ताकि हम लोगों का सुधार हो और अधिक से अधिक हम लोग परीक्षा में शामिल हों और अपने करियर संबंधित कुछ आगे के बारे में सोच सकें। थैंक यू। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने ऐसे लड़के हैं जो कि यहाँ CITS कोर्स करने से पहले आप लोग कहीं जॉब कर रहे थे, कोई यहाँ पे लड़के हैं वैसे? ओके, तो थोड़ा सा आप आगे आइएगा। तो आप जो है मतलब जॉब कर रहे थे यहाँ, तो यहाँ पे जो है क्लासेस तो रेगुलर होती हैं? जी सर, रेगुलर क्लासेस होती हैं, जब से इनकी क्लासेस भी स्टार्ट हुई तभी से जो हम लोगों ने जॉब को जो ड्रॉप आउट कर दिया और यहाँ पे सर कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे मैटर ये फंस रहा है कि अगर आप जो है जॉब छोड़े हुए हैं और यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लासेस, रेगुलर क्लासेस होते हैं, तो ऐसे में अगर बैठा दिया जाए आपको और बोला जाए सप्लीमेंट्री में देने के लिए, जो कि हो सकता है कि 5 महीना 6 महीना बाद लिया जाए, तो वैसी स्थिति में क्या आपकी मतलब कि माइंड में आपका क्या चलेगा, वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब क्या आपके थिंकिंग होगा? सर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, टाइम वेस्ट हो गया पूरा साल, इतने सारे महीने हो गए यहाँ पे सर, पूरा पैसा भी जा रहा है और लास्ट में आप कह रहे हो कि नहीं हो पाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है ना सर। आप शुरुआत में बोलते इस तरीके की बातें, आप बार अब अभी कह रहे हो अब तो हम जॉब से भी चले गए, यहाँ परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे, तो मतलब क्या फिर हमारा यहाँ रहने का? आप तो शुरुआत है बताते जॉब भी चली गई, आप यहाँ पे एग्जाम भी नहीं देने दोगे, हम तो दोनों तरफ से चले जाएंगे ना सर, ये बात है। बिल्कुल, तो यहाँ पे जैसा आप लोगों ने सुना कि इस तरह का कुछ, देखिए बहुत तरह की बातें, एक स्टूडेंट जो होता है ना उसके उसके मतलब कैसे वो पहुँचता है कहाँ तक उसे भी नहीं पता होता है, कहाँ से पैसा मैनेज करता है। जब स्टूडेंट कहला रहा है तो पॉकेट खर्चा कहीं ना कहीं घर से ही होता है, और आप लोग को ये जानकारी होगी कि जो CITS कोर्स है उसमें कुछ स्टाइपेंड ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, आपको जो भी करना होता है आपके घर से या फिर कहीं से आपको मैनेज करना पड़ता है। तो अगर फिर से अगर उन लड़कों को, अगर मान लीजिए 70% अबव जो लड़के हैं, अगर उन्हें सप्लीमेंट्री का मुँह देखना पड़ेगा, तो फिर ये मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कहें तो मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा। तो मेरा भी यही रिक्वेस्ट है DGT से कि कृपया करके जो है 70% कर दिया जाए। यहाँ पे एक और छात्र हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, तो इनको सुनते हैं क्या कहते हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार गुप्ता है, DMC ब्रांच से है। मेरा कहना ये है कि जैसे कोविड में यहाँ इंस्टीट्यूट तो खुल गया कॉलेज, और हम लोग उस समय कोविड का भी था, और उस समय मेरा कमर में दिक्कत है, मेरे पास मेडिकल भी है, मेरा MRI रिपोर्ट वगैरह भी है, तो मेडिकल हम लोग रखे तो हम फरवरी में यहाँ पर नहीं आ पाए, फरवरी के बाद मेरा रेगुलर क्लास है, इससे मेरा 70% के ऊपर मेरा है, 74% है, और फिर भी हम जब गए वहाँ अपने थी में तो बोल रहे हैं कि मेडिकल यहाँ पे मान्य नहीं है, तो उसी कारण हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, सप्लीमेंट्री में एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब बन चुका है। इसलिए अगर अभी लास्ट में नोटिस आया है 80% तो ठीक है, लेकिन मेडिकल भी मान्य होना चाहिए, यही DGT सर से हम लोग का रिक्वेस्ट है कि मेडिकल को भी मान्य करें। बिल्कुल, तो देखिए अब इंसान है तो बीमार पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है, पर और जैसा पेंडेमिक सिचुएशन जो पूरा देश झेला, आप लोगों को पता होने चाहिए इस बार का भी कुछ सिचुएशन खराब ही था, और 1 महीना का जो है गैप मिला, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फिर जो है कॉलेज जो है 3 फरवरी को खोल दिया गया, उसके बाद भी कुछ लड़के जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट में बीमार पड़े थे। ठीक है, अब वो बच्चे जो बीमार पड़े उनका कहीं ना कहीं शॉर्टेज तो हुआ अटेंडेंस का, तो वो
उसके लिए मेडिकल का जो सिस्टम है उसको बरकरार रखा जाए, और मेडिकल के एवज में जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करके जो अटेंडेंस में जो थोड़ा जो रिबेट मिल सकता है या डिस्काउंट जो भी कहें उसमें कम से कम थोड़ा सा रिवायत जो है मिले, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, मान लीजिए कि कोई कोविड में बीमार पड़ गए या फिर नॉर्मल भी कभी बीमारी हुई, डायरिया हुआ, ये हुआ, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, टाइफाइड भी हुआ था, तो वैसे कैंडिडेट्स जिनका कि अटेंडेंस शॉर्ट हुआ है उनको कम से कम 70% भी अभाव अगर हैं, डीजीटी अपने ही बातों पर रहे। यहाँ लड़के ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, यहाँ बस एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई 70% को रहने दिया जाए ना, आप 80% कृपया करके ना करें, ठीक है। तो मुद्दे थे यहाँ पे जिसको कि मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है, बस आप लोग का एक ही काम है, कुछ नहीं है, रेडीमेड आप लोगों के लिए जो है पूरा ड्राफ्ट बनाया गया है, आप लोग बस उसको अपने ईमेल में जो है उसको स्थान दीजिए, ईमेल कीजिए, डीजीटी के जितने भी जो ऑफिसर्स हैं उनका कॉन्टैक्ट्स भी मैं आप लोग को रेडीमेड प्रोवाइड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पे उन कंटेंट्स को उठाइए, अपने ईमेल में चिपकाइए और सीधे डीजीटी को भेजिए निर्देशालय। इससे थोड़ा बहुत जो है कुछ ना कुछ जरूर जो है पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलेगा, और इस तरह के कैंपेन हम लोगों ने किया भी है, रिक्वेस्ट किया है डीजीटी को, और डीजीटी भी सुनी है, डीजीटी वहाँ भी लोग जो बैठे हैं इंसान ही है, ठीक है, वो आपके मुद्दे आपके बातों को जरूर सुनेंगे। और एग्जाम डेट्स पर आने की बात थी उस, वो भी हम लोगों ने इस तरह से जो किया था, ईमेल किया था तो उसका रिप्लाई भी आया, और जो है अगस्त में एग्जाम भी हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो कृपया करके आप लोग से ही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ईमेल जरूर कीजिएगा, चाहे कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, ऑल ओवर इंडिया NSTI I2S कहीं से भी हैं आप, कृपया करके जो है ईमेल कीजिएगा। देखिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो है समझ लीजिए कि कैसे आपको ईमेल करना है और क्या करना है। देखिए ये जो है ऑल इंडिया जो है ग्रुप है, CITS का ग्रुप है, इसमें आप जुड़ जाइएगा और यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा कंटेंट्स। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुवाद कर दिया है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है और जो है व्हाट्सअप ग्रुप भी आपको मैं भी दिखाता हूँ, वहाँ भी कंटेंट्स में डाल। देखिए हिंदी में पूरा मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स जो है बड़े बड़े पॉइंट्स रखा है, और यहाँ पे आपको जो है आपका नाम लिख देना है नीचे में, और आप किस NSTI या IOTOT से हैं वो आप लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ इंग्लिश में भी मैंने इसको जो है अनुवाद कर दिया है, इंग्लिश में भी जो मतलब इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए आपको नाम और अपना जो है NSTI लिख दीजिएगा जरूर जरूर, ठीक है। इसमें आप कुछ पॉइंट्स अगर चेंज करना चाहिए, बढ़ाने घटाने चाहते तो जरूर जरूर आप उसको भी कर लीजिएगा। चलिए अब सीधे मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप भी दिखा दूँ। तो साथियों देखिए ये जो है व्हाट्सअप ग्रुप है, इसमें भी मैंने ये कंटेंट सारे डाल दिए हैं, ठीक है। दोनों का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों का जो है डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। आपको बस इसको क्या करना है, कॉपी करना। देखिए हिंदी में हो गया, इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे इस वाले सेक्शन से कॉपी करेंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट से कॉपी कर लेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पे नीचे इंग्लिश वाला भी टर्म है, इसको भी आप जो है इसको जो है कॉपी कर लीजिएगा, और इसको आपको सीधे ईमेल करना है। ईमेल का कॉन्टेक्स्ट भी आपको दिखाते हैं, ईमेल का कॉन्टेक्स्ट भी इसी टेलीग्राम और जो है आपका व्हाट्सएप है दोनों में मैं डाल दूंगा। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। देखिए इसको मैंने फर्स्ट कॉपी किया और दूसरा भी इसको कॉपी करके यहाँ से देखिए कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं खोल लेता हूँ ईमेल। देखिए हमने यहाँ पे जो है अपना ईमेल खोल लिया है, ठीक है। ईमेल के इस वाले सेक्शन में, कंपोज वाले सेक्शन में आप चले जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का कुछ पेज खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्रॉम किसके द्वारा ये आया है, तो यहाँ पे तो आपका ईमेल आईडी रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे टू में जिनको भेजना है, तो जिनको भेजना मैं आपको दिखा देता हूँ, बट सबसे पहले कंपोज मेल में देखिए यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं जो हमने कॉपी किया, ठीक है। पहले कॉपी कर लिया है ना, तो इसको पहले यहाँ इस पार्ट पे क्लिक कर दीजिए, इस तरह से देखिए यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा हम बैक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये वाला पार्ट को जरूर इरेज कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ये सभी चीज़ें जो आ गई हैं व्हाट्सएप से अगर कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है ये नाम वगैरह सब आ गया है, डेट वगैरह आ गया है, ये हमारा हो गया कॉपी, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए पूरा ये हमारा कॉपी हो चुका है। यहाँ से देखिए इस पार्ट को हटा दीजिएगा, ये जो नाम वगैरह सब आ गया है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। और देखिए यहाँ पे इसको जो है इंग्लिश वाला जो है, इंग्लिश में भी जो है यहाँ पे कंटेंट हो गया है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे जो है नाम लिख दिया, और यहाँ पे अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे टू वाले सेक्शन में कॉन्टेक्स्ट में आपको वो भी कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ, इसको कॉपी करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है टू वाले सेक्शन में जिनको भेजना है, यहाँ पे लगभग 10 लोग हैं, इनको जो देखिए यहाँ पे हमने मेल अटैच कर दिया है, ठीक है। तो ये जो कॉन्टेक्ट्स है डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में रिगार्डिंग ये वाला पार्ट को आपको लिखना है, ये भी आपको देखिए यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ये जो इंग्लिश वाला फॉर्मेट है ना, इसमें ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, इसको उठा लीजिएगा यहाँ से, और इस पार्ट पे आपको सब्जेक्ट वाले पे कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाला जो हिस्सा होता है। और सिंपली आपको क्या करना है, देखिए अभी आपके सामने मैं मेल को सेंड करूँगा, देखिए ये वाला संस्करण आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेंड बटन पे क्लिक कर दिया, ओके। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पे सेंडिंग हो रहा है, तो और ये सेंड भी हो चुका है, देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, सेंड हो चुका है ये मेल।
तो यहाँ पे आपको भी इसी तरह से जो है मेल करना, देखिए सभी को ये मेल जा चुका है, चाहे हिंदी में लिखना हो चाहे इंग्लिश में, ठीक है, दोनों चीज़ को आप लोग यहाँ पे जरूर से जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। जितने भी NSTI और ITOTs के लड़के हैं कृपया कर इस काम को जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र लोग जो है मे भी अगर जो है ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो मे भी हो सकता है कि वो एग्जाम ना दे सके और जो है सप्लीमेंट्री में शायद उनको देना पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि काम को आप लोग भी जरूर कीजिएगा। तो जो चलिए आप लोग से उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो है 100-150-200 मेल कम से कम जरूर जाएगा, तो एक जरूर इसका एक जो है आउटकम्स देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है आप लोग भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से अगले अपडेट में, और जो है अदर अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सभी अपडेट्स और आप लोग को चैनल पर मिलता रहेगा। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और इस तरह के आगे के मुद्दे भी अगर कुछ होते हैं तो हम लोग एक साथ होकर के जब तक नहीं चलेंगे तब तक आगे के भी कहीं इस तरह के फिर से अगर कुछ बातें होंगी तो फिर मुहिम को आगे नहीं ला पाइएगा, इसलिए रिक्वेस्ट यही होगा आप लोग से कि आप लोग भी साथ जरूर दीजिए। तो चलिए आप उससे मिलते हैं फिर से अगले अपडेट में, किसी इसमें कुछ और भी आएगा तो आप लोग को जानकारी जरूर देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।